जिसमें आज हम तमाम ही मैचों के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो विदाउट मिसिंग एनी टाइम देखो इंट्रो एंड लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो भाई फर्स्ट मैच जो होने वाला है वो होने वाला है वुमेन्स का वॉर गेम्स मैच, जिसमें एक तरफ होगी बियांका बिलियर, आस्का और पीछे कौन है मुझे नहीं पता, आस्का, एलेक्सा ब्लिस, बेकी लिंच और जो एक पीछे है वो मुझे नहीं पता कौन है, मुझे वुमेन्स को मैं इतना देखता नहीं हूँ खास। फिर इधर डैमेज कंट्रोल के साथ है कौन, ये डैमेज कंट्रोल के साथ है रिया रिपली और कौन ये भी बता मुझे, आप लोग कॉमेंट बताना कौन कौन है ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक तरफ टीम है मतलब बियांका बिलियर की और एक तरफ है डैमेज कंट्रोल की। देखो आज जो स्मैकडाउन ये रहा ये मैं आज सैटरडे को शूट कर रहा हूँ, अगर आज स्मैकडाउन से पहले आप मुझसे पूछते हो तो मैं बेझिझक प्रेडिक्ट करता हूं यहां पे टीम बेली को, बट आज गाइस रिटर्न आ चुकी है बेकी लिंच और आज मुझे लगता है कि अब फेस टीम की विन थोड़ी ज्यादा परसेंटेज में आगे आ गई है, तो इसलिए मैं क्लियरली आज प्रेडिक्ट करना चाहूंगा टीम बियांका बिलियर जो आज डैमेज कंट्रोल को हरा के बन जाएंगे इस फर्स्ट वॉर गेम मैच के विनर। अगले मैच की बात करें तो अगला मैच होने वाला है फिन बैलर वर्सेस एज स्टाइल, लेकिन ये इतना कोई सिंपल मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों के साथ ये एक तो एक एक के साथ और पीछे तीन बंदे हैं, जैसे कि देखा जाए तो फिन बैलर के साथ है डेमियन प्रीस्ट, रिया रिपली और डोमिनिक मिस्टीरियो और वहाँ पे एज स्टाइल के साथ भी कोई लड़की है और लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन है। अब इस मैच के लिए मुझे प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल होगी कि मैं किसको प्रेडिक्ट करूँ। देखो मुझे लगता है यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ दी जजमेंट डे को, लेकिन मुझे लगता है कि जजमेंट डे अगर यह आज मैच हार जाती है तो जजमेंट डे का कोई खास दबदबा कम नहीं हुआ। लेकिन अभी रिटर्न आया है एज स्टाइल के साथ ही यानी लुक गैलोस का एंडरसन, तो हो सकता है आज की डिफीट से इनको थोड़ा इफेक्ट पड़े, शायद मेरा रिजल्ट थोड़ा फायदा हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करना चाहूंगा एज स्टाइल्स को। मुझे लगता है आज एज स्टाइल्स कुछ भी करके आज हरा देने वाले हैं फिन बैलर को। और एक वीडियो भी चलाई थी WWE जब फिन बैलर नहीं उसके कल फिन बैलर जी डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो पे जाकर घर पे दूसरा अटैक कर रहे थे, तो हो सकता है कि रे मिस्टीरियो का भी कोई एंगल देखने को मिले जिस वजह से आज एज स्टाइल की चीज हमें देखने को मिल जाए। अगले मैच की बात करें तो अगला मैच होने वाला है शॉट्सी ब्लैकहार्ट वर्सेस रोंडा फ्रिकिंग राउज़ी के बीच में। देखो रोंडा राउज़ी और शॉट्सी ब्लैकहार्ट के ये मैच मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो अगला मैच होने वाला है रोंडा राउज़ी वर्सेस शॉट्सी ब्लैकहार्ट के बीच। और देखो ये जो मैच होने वाला है ना रोंडा राउज़ी और शॉट्सी ब्लैकहार्ट का, ये सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होने वाला मुझे लगता है। हो सकता है बहुत कम चांसेस है मेरी नजर में तो कि शॉट्सी ब्लैकहार्ट बन जाए न्यू चैंपियन, यानी मतलब आप लोग समझ गए आई एम गॉन विद द करेक्ट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउज़ी, जो इजीली आज डिफीट देने वाली है किसको, शॉट्सी ब्लैकहार्ट को। अगले मैच की बात करें तो ये अब जो दो मैच रह गए हैं ये शो के बहुत इंटरेस्टिंग मैच, बाकी भी थे ये मेरे लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि एक तरफ है यहाँ पे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, बॉबी फ्रिकिंग लैशली और ऑस्टिन थ्योरी वर्ली, जिसका गिमिक में चेंज आया है। अब ये ऑस्टिन थ्योरी अब जीतने के काबिल तो है, लेकिन क्या अभी उनकी बेल्ट ट्राई भी जो सैटवाइज को दी वो वापसी उनको दे देगी, इस चीज के चांस के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज के चांस बहुत ज्यादा ही कम है। इसका प्यार तो बॉबी लैशली, क्योंकि बॉबी लैशली भी जीते लेकिन अभी नहीं जीते, वो उनको काफी टाइप हो चुका है। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यहाँ पे WWE थ्योरी को जितवाने की जो कोशिश है उसको थोड़ा रैप देगी। यहाँ पे जो असल जो फाइट होने वाली है वो होने वाली है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और बॉबी फ्रिकिंग लैशली के बीच, और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जो जीत है वो मिल सकती है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को, जो यहाँ पे डिफीट दे देंगे बॉबी लैशली को बॉबी लैशली को भी और ऑस्टिन थ्योरी को भी। तो मैं आज जाने जा रहा हूँ द करंट
Intercontinental Champion, currently United States Champion, one and only Seth. तो अब बात करते हैं मेन मैच की। तो जो मेन मैच है गाइस वो है मेंस का वॉर गेम्स मैच। देखो ये मैच बहुत ज्यादा बवाली होने वाला है क्योंकि इस मैच में टीम ब्लड लाइन की तरफ से मुझे बताने की जरूरत है, फिर भी ब्लड लाइन की तरफ से है जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोवा, खुद रोमन रेंस और सैमी ज़ेन, और टीम ब्लड लाइन के सामने है शेमस, केविन ओवेंस, ड्रू मैकइंटायर, रिज हॉरिक और बुच, यानी टीम ब्रूट्स वैसे टीम ब्लड लाइन होने वाला है। अब इस मैच में मुझे लगता है कि यहाँ पे जीत बिल्कुल ही 50-50% है। देखो यहाँ पे ब्लड लाइन को दबी भी कभी भी नीचा नहीं दिखा सकती, ब्लड लाइन ऑलवेज ऑन द टॉप। और सामने जो टीम है उसमें अभी अभी केविन ओवेंस है, यानी सब लोग फेस वर्सेस हील टीम है, देखा जाए तो फेस वर्सेस हील टीम है। तो इसमें दबी भी किस टीम को जितवाने की कोशिश करेगी, मुझे पता है इसका कोई वुमेंस के मैच से कोई वो है नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पिछले मैच में मैंने वुमेंस के वॉर गेम्स मैच में बोला था कि वुमेंस की मैथ्स टीम जीत जाएगी, यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मैथ्स की ही टीम, कि मैथ्स की ही टीम यानी टीम ब्लड लाइन यहाँ पे हरा सकती है टीम ब्रूट्स को, यानी रिच हॉलैंड और शेमस और ड्रू मैकइंटायर की टीम को। मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन बहुत रॉन्ग होने वाली है आज, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लड लाइन के साथ ही जाऊँगा। कल तक मुझे लग रहा था कि यहाँ पे लाइन हार जाएगी, लेकिन पता नहीं अभी मुझे शूट करते वक्त वीडियो लग रहा है कि ब्लड लाइन जीत सकती है। तो फिलहाल आज के लिए दी ब्लड लाइन मेरी पिक है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के इस मैच के लिए। और एक और भी एक चीज़ इसमें भी है कि इसमें शेमस और ड्रू मैकइंटायर मैच में पहले रिटर्न कर जाएंगे, जिसका मतलब एक बहुत बुरी चीज है कि रोमन रेंस प्रोबेबली बिल्कुल आखिर में आने वाले, जिसका कोई मजा नहीं आने वाला। प्लीज अभी भी इनके बाद ही या इनसे पहले तो ला नहीं सकते, मतलब मिनिमम बीच में ही दिया था रोमन रेंस को, लेकिन आखिरी में रोमन रेंस का कोई वो मजा नहीं आने वाला, वो दबदबा नहीं आने वाला। देखो रोमन रेंस देख कैसा है, देखो ट्राइबल चीफ बैठता हो जे बैठता हो जे। तो फिर आज के लिए गाइस इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू सून। आप आज की मैं जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो मेरी आज की जो पहली प्रेडिक्शन थी वो थी टीम बियांका बेलेयर, जो दूसरी प्रेडिक्शन थी वो एजे स्टाइल्स, उसके बाद रोंडा राउजी, उसके बाद सेथ वारेज और उसके बाद दी ब्लड लाइन। आप लोग अपनी सारी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में बताना आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू सून, बाय बाय, सी यू गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मारे नहीं हमारे नहीं, वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं, पर हम कमा रहे शो बजा रहे, मिलके खा रहे, तुम निकाले सिंपति पे ये कमा रहे, खुदा मुझे बचा ले, ये कला मेरी गवाह है, ये बता दे कौन है मेरे दुश्मनों की राय, लेने वाले भी गुमराह।